इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। विदेश में भी मोदी मुखालिफ माहौल। आप सभी को ताज्जुब होगा कि आखिर हम मोदी विरोध में क्यों बोल रहे हैं, जबकि विदेश में तो मोदी का डंका पीटा जा रहा है। पर सच्चाई यही है कि जो बात भारतीय मीडिया की जानिब से दिखाई जा रही है, इसमें किस हद तक सच्चाई है। हाउडी मोदी के नाम से बहुत बड़ा इजलास मुनक्कद किया गया था, जिसमें मोदी और ट्रंप को एक साथ दिखाया गया। वैसे तो वजीर आजम मोदी यह पहला इजलास नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई इजलास बैरूनी ममालिक में मोदी भक्तों की जानिब से अंजाम दिए गए, और खासकर तब जबकि भारत में इंतखाबी माहौल हुआ रहता है। विरोधी पार्टियों का कहना है कि आखिर ऐसा कौन सा कारनामा भारत देश की फला बहबूदी के लिए मोदी सरकार ने अंजाम दिया है, जो विदेशों में भी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। लिहाजा मालूम यह हुआ कि यह भी एक तरह का प्रोपोगंडा है, जिसे बड़े ही शातिर तरीके से और खासकर मीडिया के जरिए से अंजाम दिया जाता है। आज के तकरीबन अखबारों की सुर्खियां सिवाय मोदी के तारीफ के कुछ नहीं है। इससे यह भी साबित होता है कि मीडिया में अब सच बोलने की कुव्वत तकरीबन खत्म हो चुकी है। लंदन में भी इसी तरह से इजलास के बाद में रिपोर्ट आई थी कि किस तरह महीनों पहले इसी तरह की तैयारी की गई, किस तरह लोगों को जमा किया और मखसूस लोगों को मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए मुंतखब किया गया था। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी किया गया था। और जबकि भारत में महाराष्ट्र, हरियाणा और फिर बाद में झारखंड के चुनाव है, यहाँ पर भी इनकी दोगली पॉलिसी नजर आती है। एक देश एक चुनाव कहने वाली भाजपा को अचानक महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव अक्टूबर में और झारखंड को दिसंबर नवंबर करने की क्या जरूरत पड़ी। अगर कार्यकाल खत्म होने की बात है तो फिर झारखंड को बाद में क्यों। इसलिए कि कुछ योजनाएं यानी कि सरकारी स्कीमों की इफ्तिताह करनी है, कुछ फैक्ट्रियों की संग बुनियाद रखनी है, जो पहले भी कई बार कर चुके हैं। मोदी सरकार की जानिब से सैकड़ों योजनाएं यानी कि पॉलिसियों का इफ्तिताही इजलास तो होता है, पर कोई भी मुकम्मल नहीं हो पाती। लिहाजा भारतीयों की समझबूझ को मोदी सरकार ने बखूबी समझ लिया है। और फिर वैसे भी हुकूमत से सवाल पूछने वाला तो देश विरोधी बनता है, या तो देशद्रोही कहने का यहाँ भारत में एक नया तरीका शुरू हुआ है। इन्होंने ये जो तरीका निकाला है, खोज निकाला है, इससे लोग भी अब उनके मुखालिफ सवाल करने से डरने लगे। कर्नाटक तो वैसे भी काफी मशहूर है। कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को गिराया गया, कुछ लोगों को लालच के तौर पर बागी बनाया गया। अब बेचारे ना इधर के ना उधर के रह गए। जिन रुकन असेंबलियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, बेचारे अब डर डर दर दर की ठोकरें खा रहे। वजारत हासिल होने के ख्वाहिश में कहीं के ना रहे। चुनाव का ऐलान किया गया कि क्या है, बगावत करने वालों की जगह पर चुनाव होंगे, पर जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया वह चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अभी अदालत का फैसला आने में काफी देर है। देश में फिर से महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, जीडीपी की गिरावट के अपने तारीख मियार से भी नीचे है। बांग्लादेश, जिसे गरीब देश कहा जाता था, अब भारत से भी आगे निकलता जा रहा है। इन तमाम के मद्देनजर अवाम में काफी गुस्सा देखने में आ रहा है। वही गोदी मीडिया चुनाव में भाजपा को ही जिताने में लगी है। टैक्स को घटाने का फैसला ऐसा है जैसे अवाम को खाने की जरूरत है और इसे टॉनिक दिया जा रहा है। हाउडी मोदी इजलास में पीएम मोदी ने भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा ऐलान किया है, पर क्या यह सच्चाई है। अब तो विदेश में भी किस तरह मोदी मुखालिफत की फिजा आम होती जा रही है, यह भी देखने की जरूरत है, जिसे टीवी चैनल नहीं दिखाते। बहरहाल ये एक अलग पहलू है कि किस तरह से हवा खड़ा किया जा रहा है। इसका दूसरा रुख भी देखना जरूरी है, जो मीडिया कभी नहीं दिखाती। अमेरिकन कांग्रेस की हिंदुस्तानी निषाद की जानी मानी मेंबर मोहतरमा तुलसी गैबर्ड, जो कभी मोदी के हक में हुआ करती थी, अब मुखालिफत में आ चुकी है। हाउडी मोदी इजलास के लिए जब उन्हें मदऊ किया गया तो इन्होंने मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों के चलते इजलास में शिरकत करने से इनकार कर इनके दावत को ठुकरा दिया। इसी तरह से एक और अमेरिकी कांग्रेस और भारतीय मूल के मेंबर रो खन्ना ना सिर्फ मोदी के इजलास में जाने से इनकार किया, बल्कि मोदी मुखालिफ तहरीक भी हाउडी मोदी यानी सबसे नापसंदीदा मोदी के नाम से तहरीक चलाई जा रही है, जो पिछले एक महीने से अमेरिका में जारी है। इन्होंने अमेरिकी मीडिया में साफ लफ्जों में कहा कि हिंदू मजहब में भरोसा रखने वाले हर अमरीकी सियासतदान का यह फर्ज है कि वह भारत में प्लूरिज्म की हिमायत करे, हिंदुत्व को खारिज करें और हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध तथा ईसाई सबके हुकूक के हक में आवाज उठाए। और भी कई नाम हैं जो मोदी मुखालिफ तहरीक में शरीक हुए हैं।
ऐसा लग रहा है कि भारतीय मीडिया कहीं तो भी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। इतनी मुखालिफत के बावजूद अवार्ड पर अवार्ड प्रधानमंत्री हासिल कर रहे, पर अब इसमें भी मुखालिफत शुरू हुई है। 1976 नोबेल अमन अवार्ड विनर मेरिड मैगवियर ने गेट्स फाउंडेशन को लिखे अपने खत में लिखा कि हमें यह जानकर बहुत हैरानी हुई है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस महीने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड से नवाज रहे हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी के राज में भारत खतरनाक और घातक अर्थव्यवस्था अव्यवस्था की तरफ बढ़ा है, जिसकी वजह से इंसानी हुकूक और जमहूरियत लगातार कमजोर हुई है। यह हमें जिसकी वजह से इंसानी हुकूक और जमहूरियत लगातार कमजोर हुई है, यह हमें खास तौर पर परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके फाउंडेशन का मकसद इंसानी हुकूक की हिफाजत करना है और इंसानी हुकूक के लिए लड़ना है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री पर अमरीकी इल्मी दानिश्वर, सामाजिक खिदमतगार तंजीमें और एशियाई ओखला की जानिब से तंज करते हुए कहा कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री पर गुजरात फसाद का दाग है। कश्मीर में पिछले 40 दिनों से कर्फ्यू है, स्वच्छ भारत अभियान से आवाम को फायदा हुआ है तो यह भी देखा जाए कि मोदी खून खराबे की दास्तान को याद किया जाए। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी के दिए गए अवार्ड पर एतराज जताया है। अमेरिका के ही अर्जुन सेठी ने तो मोदी गुजरात के कसाई कहते हुए कहा कि अगर मोदी को इस तरह अवार्ड देते जाएंगे तो इंसानी हुकूक यूं ही पामाल होती जाएंगे, इंसाफ के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता हताश और मायूस हो जाएंगे। तमाम मुखालिफत पर गेट्स फाउंडेशन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने यह एजाज मोदी को दिया है, लिहाजा खुद विदेशों में भी भारत के प्रधानमंत्री के मुखालफत में होता इजाफा यही पैगाम देता है कि कहीं तो गलती हो रही है, भले ही हम उसे कितना ही छिपाने की कोशिश के लिए हाउडी मोदी जैसे कितने ही इजलास मुनक्कद करते रहे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।